इस वीडियो में हम बात करने वाले इंटरप्रिटेशन किट का ये जो क्वेश्चन है डिक्शनरी एंड हैश मैप के ऊपर हैश टेबल्स के ऊपर रैंसम नॉट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है, उस अप्रोच के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को एंड रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। सो वन बाय वन हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो यहाँ पे आपको दो सेंटेंस मिलेंगे और उस दो सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस होगा उसको बोलते हैं मैगजीन, ठीक है। एंड सेकंड जो सेंटेंस है उसको कहते हैं नॉट, ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर। तो मैगजीन में जो वर्ड है उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है उन वर्ड में हमें फाइंड आउट करना है कि जो नोट्स के अंदर जो भी वर्ड है वो वर्ड मैगजीन के अंदर वर्ड्स है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में ये इनपुट दे रखा है, दो स्ट्रिंग हमें मिलेगी एंड यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है यस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं नोट के अंदर वो सारे के सारे नोट मैगजीन के अंदर सारे वर्ड हैं, ठीक है। यू भी है, वन भी है एंड ग्रैंड भी है एंड टुडे भी है, ठीक है। सो ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इसमें टू टाइम्स टू एंड टू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये जो टू है वो टू, ये टू है बट ये वाला टू इस मैगजीन के अंदर नहीं है एंड इज यहाँ पे है, फोर भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, नो होगा। तो इसी तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये अप्रोच रहेगी, हम देखते हैं। सो हमें जो इनपुट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड उसको हम रखेंगे मैगजीन के अंदर, ये ऑलरेडी दे रखा है एंड हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा नोट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस को हमें वर्ड के अंदर कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, राइट। हमें सेंटेंस के जितने भी वर्ड है वो एक लिस्ट में हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉब्लम हमारी ऐसे ही सॉल्व करके दे दी है, बट इसके अंदर हमें आउटपुट निकालना है जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है। Now, अब उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जो मैगजीन वाला है उसको मैं ले लेता हूँ एंड उसको मैं इस तरीके लेता हूँ ए सी, यहाँ पे जो वर्ड है मैं उनका एक एक कैरेक्टर ले लेता हूँ एंड सी एक अलग वर्ड है, ए अलग वर्ड है एंड यहाँ पे ई अलग वर्ड है, एफ अलग वर्ड है, डी अलग वर्ड है, ठीक है। एंड ये इस तरीके से मैं एक मैगजीन सेंटेंस मैंने ले लिया, इसके अंदर ये सारे वर्ड हैं, ये अलग अलग जो कि हमें लिस्ट में मिल रहे हैं। नाउ अब हमें जो नोट के अंदर जो वर्ड मिल रहे हैं, लेट सपोज कि हमें मिल रहे हैं, एक मिल रहा है हमें सी एफ डी एंड सी, ये हमें नोट के अंदर मिल रहा है। अब हमें क्या करना है कि ये जो सी है इस सी को हम ढूंढेंगे इस मैगजीन के अंदर और देखेंगे कि ये सी कहीं पे है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां से चेक कर लेंगे कि जी ये सी यहाँ पे मिल गया। तो जैसे ही हमें सी मिलेगा हम क्या करेंगे, इस मैगजीन के अंदर जो ये जो सी मिला, क्योंकि ये जो सी है ये वाला सी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सी इसके ये वाला सी है, ठीक है। तो इसको हमें अब दोबारा एप के लिए चेक करने की नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ और पैरामीटर हम यहाँ पे डाल देंगे या फिर इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये जब दोबारा सी जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो सी इससे मैच करके हमें प्रॉब्लम में ना डालें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इसको किसी और से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने काउंट यहाँ पे चेक कर लिया एंड हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, लेट सपोज कि टेम्प, इनिशियल वैल्यू उसकी ले लेंगे जीरो। तो जैसे हमें मिलेगा हम टेम्प की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर हम देखेंगे एप, तो हम देखेंगे एप है यहाँ पे, जी हाँ यहाँ पे एप हमें मिल गया। तो जैसे हमें मिला यहाँ पे हम ऐप को क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। ठीक है, देन हम देखेंगे डी, तो डी हम यहाँ से चेक करते जाएंगे, तो डी हमें यहाँ पे मिल गया, तो हम इसको भी इसी से रिप्लेस कर देंगे। एंड फिर हम देखेंगे सी, तो सी हम जैसे हम यहाँ से देखने जाएंगे तो फिर ये क्या होगा कि अगर हम इसको रिप्लेस नहीं करते किसी और से तो ये सी और सी मैच हो जाता और हम यहाँ पे देखते कि भाई हमें सी मिल गया, लेकिन ये आंसर हमारा गलत हो जाता। ठीक है, जैसा कि हमने वो टू वाला एग्जाम्पल देखा था। तो यहाँ पे हमने पहले से क्या किया कि इस सी को हमने चेक कर लिया, ये किसी और का सी है, तो हम यहाँ पे इस सी को जब चेक करने आएंगे तो यहाँ पे हमें सिमिलरिटीज नहीं मिलेगी एंड हम देखते जाएंगे यहाँ पे जाके हमें सी मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जहां जहां पे भी हमें वर्ड मैगजीन के अंदर मिल जाएंगे, नोट्स के जो वर्ड्स हैं वो फिर हम क्या करेंगे, उनको टेम्प में हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप ले लेता हूँ। ये जो फॉर लूप है ये जो चलेगा आई के लिए चलेगा एंड ये चलेगा नोट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और फॉर लूप मैं अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए ये मैंने फॉर लूप ले लिया, अब मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप ले लेता हूँ। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, ये चलेगा जे के लिए एंड ये चलेगा एम तक, एम में जितने वर्ड हैं उनके लिए ये चलेगा। एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा एन नोट्स का जो वर्ड है वो अगर इक्वल है मैगजीन के वर्ड से, तब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम टेम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पे टेम की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, और हमें जहां पे भी मैगजीन में जिस इंडेक्स पे हमें मैगजीन का जो वर्ड मिलता है वहां पे हमें क्या कर देना है, एम जे इक्वल टू इस तरीके से हम हाइपन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एंड एक और जो चीज है वो हमें क्या करनी है, यहाँ पे इसको जैसे ही हमें मिलता है हम आगे चेक नहीं करेंगे और इसको हम यहीं पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम आप आगे चेक उस वर्ड को करने की नीड नहीं है। अब जैसे सी हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो हम आगे क्यों चेक करेंगे। ठीक है, आगे हमें चेक करने की नीड नहीं है, तो जहां पे भी हमें जैसे ही वर्ड मिल जाता है वहीं पे हम उस लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, नोट्स के उस वर्ड के लिए हम उस लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वर्ड के लिए हम लूप चलाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, फिर इफ ब्लॉक यहाँ पे आ गया। नाउ ये हो गया हमारे यहाँ पे चेकिंग। फिर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो हमारा, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जो भी नोट्स के अंदर वर्ड है वो सारे के सारे वर्ड मिले या फिर नहीं मिले। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो चलेगा पता हमें टेम्प जो हमने वेरिएबल लिया है उससे हमें पता चलेगा, जो फॉर लूप के ऊपर हमने रखा। तो ये जो टेम्प की वैल्यू है वो लाइक रहेगी जीरो से लेके आपकी नोट्स के अंदर जितने भी काउंट है, जितने भी स्ट्रिंग है उसके बराबर ये लाइक करेगा। ठीक है, उसकी रेंज इतने रहेगी टेम्प की। ठीक है, तो अगर टेम्प की वैल्यू नोट्स के अंदर जितने वर्ड है उनके बराबर अगर है, ठीक है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे यस। ठीक है, एंड अगर नोट में जितने वर्ड है उतने अगर टेम्प की काउंट अगर नहीं आ रही है तो हम वहां पे
हमें पता चल जाएगा कि एक ऐसा वर्ड कोई है जो मैगजीन के अंदर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, नो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो फॉर लूप, इस फॉर लूप के बाहर हम एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर टेम्प इक्वल टू एन डॉट काउंट तब प्रिंट यस, अदरवाइज प्रिंट नो। ठीक है, बस इतना सा हमें करना है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहां पे मैंने ये कोड लिख लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। सो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल फर्स्ट टाइम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।